ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्भाव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस विषय पर कि इस्कॉन के भक्त यानी प्रभुपाद जी के फॉलोअर गौड़ीय वैष्णव का डीलिंग विशेष करके देवताओं को देवी देवताओं के प्रति उनका मनोभाव क्या रहेगा और अन्य संप्रदायों के प्रति अन्य साधुओं के प्रति और नास्तिकों के प्रति मायावादियों के प्रति भौतिकवादियों के प्रति किस तरह रहना चाहिए इस पर थोड़ा सा, क्योंकि कुछ गलतफहमी भी है, कई चीज़ें हैं इसके ऊपर इस विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे देवताओं के प्रति। भगवान के भक्त यानी ऐसा नहीं कि हम नैरो माइंडेड हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो वैष्णव होते हैं सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं या विष्णु की भक्ति करते हैं, तो दूसरे देवताओं को अनादर करते हैं या मानते नहीं। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट उनको सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनको कृष्ण के संबंध में देखते हैं। जैसे हमारा शिवजी के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, वैष्णवाना यथा शंभु। भागवतम में जैसे लिखा है कि सबसे परम वैष्णव कौन है, शिव जी। तो उस प्रकार से, और शिव जी की कृपा के बिना हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जब भी हम वृंदावन यात्रा जाते हैं तो वहाँ पर गोपीश्वर महादेव, पांच महादेव हैं, उनका दर्शन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और जैसे गोपीश्वर महादेव है, उनका दर्शन करके भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का कृपा करें ऐसा। और महादेव भी बहुत प्रसन्न होकर उनको वर देते हैं। तो हम कृष्ण संबंध में देखते हैं, उदाहरण के लिए गणेश जी के प्रति हमारा क्या मनोभाव है। इस प्रकार है कि उन्हीं की कृपा से हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने महाभारत का रचना किया ना, व्यासदेव ने डिक्टेट किया और उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लिखा और व्यासदेव ने ये कंडीशन भी रखा। उनका कंडीशन ये था व्यासदेव के प्रति कि आप, मैं जितना फास्ट लिख सकता हूँ उतना फास्ट आपको बोलना पड़ेगा। व्यासदेव ने बोला ठीक है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो उसको समझ के ही लिखना है। तो बोले ठीक है, तो इस तरह से महाभारत का रचना हुआ। तो यानी भगवद्गीता भी महाभारत के अंतर्गत है, यानी भगवद्गीता को भी उन्होंने गणेश जी समझ गए। और इस प्रकार से उनकी कृपा से हम भगवद्गीता पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है दुर्गा। तो इस प्रकार से हमारा जो एटीट्यूड है वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का एटीट्यूड है, और देवताओं को भी भगवान के सेवक के रूप में। भगवान की 64 प्रकार के अपराध हैं, उनमें से एक ये भी है देवताओं को आराधना करना, देवताओं को रिस्पेक्ट नहीं करना, ये भी अपराध है। ये देवताओं को अपमानित करना या सम्मान ना करना, ये भी अपराध है भगवान के प्रति अपराध है। तो इसलिए वैष्णव अगर देवताओं का आराधना करता है तो वो भी अपराध माना गया है। हम कृष्ण संबंध में सब कुछ देखते हैं, कृष्ण संबंध, कृष्ण के संबंध में हर चीज को देखते हैं।
और वही किसी चीज को सम्मान करने का सही तरीका है। किसी चीज को सम्मान जब इंडिपेंडेंटली करते हैं वो असल में सम्मान नहीं है, बल्कि वो उनका अपमान एक प्रकार से। अगर मैं बोलता संजय प्रभु आप भगवान के महान भक्त हो, अच्छे भक्त हो, ये आपके लिए सम्मान जनक होगा, या बोलेंगे संजय प्रभु आप ही भगवान हो, या ये सम्मानजनक नहीं होगा। लेकिन अगर बोलेंगे नहीं आप भगवान के भक्त हो, जिसको भगवान का भक्त बोलना उनको नीचा नहीं दिखाता है, बल्कि उनको सबसे ज्यादा सम्मान देता है, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान ऐसे खुद कहते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम कृष्ण की आराधना कृष्ण की करते हैं, क्योंकि मन की जो मन में जो हमारा प्रेम होता है, हमारा जो ध्यान होता है, वो एक रूप पर ही केंद्रित होता है भगवान। तो इसलिए और भगवान के अन्य अवतारों को भी हम सम्मान करते हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। राम, नरसिंह, विष्णु, नारायण और भी जितने अवतार हैं, ये भी उनका ही भगवान एक ही रूप है, कोई फर्क नहीं है। मतलब भगवान ऐसा नहीं कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, ऐसा नहीं, सब एक ही है, सिर्फ रस का भेद है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति जब ऑफिस में रहता है और घर में रहता है, व्यक्ति बदल गए क्या? व्यक्ति नहीं बदला, ऑफिस में और घर में व्यक्ति एक ही है, लेकिन क्या बदला? सिर्फ उसका पर्सनैलिटी, उसका डीलिंग। हम ये नहीं बोलते कि घर में व्यक्ति अलग है ऑफिस में अलग है, ऐसा नहीं, बट घर में उनका जैसे पर्सनैलिटी रहता है, जिस पर्सनैलिटी में आप अप्रोच कर सकते हो वो अलग है, ऑफिस का अलग है। बस ऑफिस में आप जाके उनके गोद में जाके बैठ नहीं सकते, गले नहीं लगा, घर में वो सब हो सकता है, तो यही फर्क है। पर ऐसा नहीं पर्सन बदल गया, सिर्फ रस का भेद है, रस यानी संबंध, तत्व का भेद नहीं। तत्व और रस दो विचार होते हैं। तत्व विचार का मतलब क्या होता है? तत्व विचार का मतलब दो प्रकार के विचार होते हैं, हमेशा वैष्णव समाज में दो प्रकार के विचार होते हैं। दो प्रकार के विचार का मतलब क्या होता है? दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व का मतलब क्या है? सिद्धांत, तथ्य, तथ्य बोलते हैं जो फैक्ट एज इट इज, जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है ये समझना, ये है तत्व। और दूसरा क्या है? रस। हाँ, रस का मतलब है भाव, प्रेम, संबंध, ये रस है। तो दो विचार हमेशा होते हैं, तत्व विचार और रस, और रस विचार। तो तत्व विचार में नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, गोविंद, इनमें कोई फर्क नहीं, ये सब भगवान तत्व विचार। रस विचार में फिर भेद, रस विचार में क्या? कृष्ण का रस अलग है, राम का रस अलग है, वैकुंठ का रस अलग है, वृंदावन का रस अलग है। उसी प्रकार से लक्ष्मी और राधा रानी, तत्व विचार में कोई भेद नहीं, रस विचार में भेद है। राधा रानी का भाव प्रधान है, वहां ऐश्वर्य प्रधान है लक्ष्मी देवी। तो इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदायों में भी, और भी वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा श्री चार वैष्णव संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय है, हमारा ब्रह्म संप्रदाय में आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, फिर उसके बाद श्री वैष्णव संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है, और निम्बारक संप्रदाय यानी कुमार संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय यानी विष्णु स्वामी का, ये चार संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। उनमें भी क्या तत्व भेद नहीं है,
तत्व में कोई भेद नहीं, उनके प्रैक्टिसेस में कोई भेद, कोई बिलीफ्स में कोई भेद नहीं, सिर्फ रस में भेद है, सिर्फ रस में। ऐसा रस में भेद तो हर भक्त में रहता है, यशोदा माई और राधारानी, यशोदा माई और राधारानी दोनों कृष्ण के भक्त हैं, तत्व में कोई भेद है, पर दोनों का प्रेम एक जैसा है, रस में। यशोदा माई उनको पुत्र के रूप में प्रेम करती है और ये प्रेमी के रूप में प्रेम करती है, तो उन दोनों में तत्व में भेद नहीं है, रस में भेद, और भेद होना भी चाहिए। जब रस में भेद होगा तभी तो वैरायटी होगा ना, जैसे सभी लोग एक्सपर्ट मृदंग बजाने वाले हो जाते हैं तो फिर संजय ब्रो का स्पेशलिटी क्या रहे संजय ब्रो उसमें एक्सपर्ट है, कोई किसी और चीज में एक्सपर्ट है, तो हर भक्त का एक अलग प्रवृत्ति है और एक अलग प्रकार की सेवा, एक अलग सब कुछ है, अलग भाव है भक्ति में ही, तभी तो इतनी वैरायटी। जैसे भगवान के भक्त भी बहुत वैरायटी है, भगवान के धाम में भी बहुत वैरायटी है, वैकुंठ है, द्वारका है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है, बहुत, तो उसमें भी भेद है। क्यों क्यों भेद है? वो भेद वैरायटी के लिए, ऐसा नहीं कि भेद 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 का मतलब ये नहीं कि कोई मटेरियल भेद है कि एक दूसरों से लड़ते हैं, ऐसा ऐसा भेद नहीं है। वैष्णव एक दूसरों से लड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि दूसरा वैष्णव भगवान को प्रिय है, कोई भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनको हम सम्मान ही कर सकते हैं, सम्मान क्या, उनको वर्शिप करते हैं, तो पूजा करते हैं, क्योंकि उनको प्रसन्न करके ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये है, तो रस का भेद है। और तो इसलिए अन्य वैष्णव संप्रदायों को भी प्रामाणिक वैष्णव मानते हैं, जहां तक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बात अलग, ऐसे नहीं सिर्फ तिलक लगाने से वैष्णव हो जाता है, सिद्धांतों को कितना अनुसरण कर रहे हैं वो भी सवाल है, तो अगर कर रहे हैं तो उनको सम्मान करते हैं, वैष्णव प्रामाणिक वैष्णव समझते हैं, और उसमें हमें फेनेटिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बोले तो शास्त्रों में बहुत सारे कानून है, नियम है, हो सकता है उनमें से मोस्टली वो फॉलो कर रहे हैं, कुछ कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या वैष्णव बोलो, उनका जो अवैष्णव व्यवहार है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुरु व्यक्ति को वैष्णव ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा लिखा है वैष्णव जो है अगर कलयुग में विशेष करके, पहले तो बहुत सारे और भी नियम होते थे, तो कलयुग में कलयुग वैष्णव जो है सन्यासी विशेष करके समुन्द्र पार करके नहीं जाना चाहिए, तो प्रभुपाद जी तो गए थे प्रचार के लिए, वैष्णव क्या बोलते हैं उसको, पैंट शर्ट नहीं पहनता, धोती कुर्ता ही पहनता है, पर अगर कोई जॉब कर रहा हो तो पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ेगा। वैष्णव नौकरी नहीं करता, या तो बिजनेस करता है ना तो, लेकिन नौकरी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसा छोटी छोटी चीजों में जाओगे तो बहुत सारे, अगर कोई अवैष्णव को देखते हो तो गंगा में स्नान करना चाहिए यानी स्पेशली जो नास्तिक है या कोई निंदा करने वाला है तो उसको, पर यहाँ गंगा तो यहाँ से कई हजारों किलोमीटर दूर है तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो कम से कम चार नियम पालन कर रहा है, यानी पाप कार्यों से दूर है और भक्ति कार्यों में नियमित रूप से गुरु के मार्गदर्शन में लगा हुआ है, उनको प्रामाणिक वैष्णव हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनके अंदर कुछ वीकनेसेस हो सकता है उनके अंदर किसी वैष्णव को बहुत जल्दी गुस्सा आता, अच्छा नहीं, अरे इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता, ये तो कौन सा वैष्णव है, तो वैष्णव नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वो सही गलत तो गलत ही है, गलत को सही नहीं मानेंगे, पर हो सकता है उनके अंदर कुछ कमियां हो, लेकिन फिर भी अगर वो जैसे गीता में क्या बोलते हैं, अभिचे सुदुराचारो जिते मामन अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक भविष्यतो हि सह,
अगर बहुत बड़ी बड़ा दुराचारी भी कोई हो लेकिन मेरा मेरा भजन कर रहा है अनन्य भजन, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते में लगा हुआ है, सम्यक व्यवस्थित हो सका, क्योंकि वो सही रास्ते में है। हाँ, अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ लेकिन हो रहा है परफेक्ट। जो छोटा बच्चा गलती करता है तो हम क्यों, हम उसको सीरियस लेते हैं क्या? छोटा बच्चा वो ग्रो, अभी ग्रोथ के स्टेज में, तो ऐसे वैष्णव भी हो सकता है, कोई अभी तक इतना एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचा है लेकिन सही मार्ग में लगा हुआ है। हाँ, मैं बहुत सारे डिवोटीज को ऐसे जानता हूँ जो एक टाइम पे उनके अंदर बहुत हैबिट्स थे, लेकिन वही वैष्णव अगर 10 साल बाद देखोगे तो उनके कैरेक्टर को अलग है, मतलब काफ़ी चेंज आ चुका है पहले से, मतलब काफ़ी अच्छे चीज़ों में चेंज हो रहे हैं। अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, इसमें आने के बाद हम कितना, हमारे लाइफ में कितना चेंज आया, हमारे लाइफ में कितना प्रगति हो रहा है धीरे धीरे, और भी प्रगति होगी, और भी बहुत सारे क्वालिटीज हम डेवलप करेंगे, पर बस वही है कि प्रोसेस को सीरियसली फॉलो करते रहना चाहिए। कभी कभी वैष्णव कोई गलती करता है तो उनको खुद भी समझ में आता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, पर उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसको सुधारने में, या हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करना चाहिए, पर फॉल्ट फाइंड नहीं करना चाहिए, अरे ये ऐसा है वो ऐसा है। जिसको नेगेटिव एटीट्यूड रहता है ना फॉल्ट फाइंडिंग वाला, तो फॉल्ट फाइंडिंग वाला एटीट्यूड से क्या होता है, वो हर जगह जो कमी है वही दिखता है, जो गलती है जो कमी है उसी पे ध्यान जाता है, उसके अंदर 100 अच्छे क्वालिटीज है उस पर नहीं जाता, लेकिन जो एक या दो कमी है उसी पे जाता है। तो ये मेंटालिटी नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हनी बी और हाउस फ्लाई, ये दोनों में मेंटालिटी भी डिफरेंट है। हनी हनी भी जैसे जो मधुमक्खी होती है, गंदी नाली में उसको छोड़ दोगे तो क्या करेगी, नहीं बैठेंगे वहां पे। नहीं बैठेगी, मतलब गंदी नाली में अगर छोड़ दिया तो फिर वहां क्या ढूंढेगी, वो फूल ही ढूंढेगी फूल ही वहां। ढूंढेगी कहीं, मतलब कोई कहीं से नाली में, कभी कभी आप देखते हो खुला नाली होता है ना तो साइड में कुछ कुछ छोटे छोटे फूल उगते हैं, तो नाली में इतनी गंदगी हो किसी गंदगी पे नहीं जाएगी, बस छोटा सा एक फूल कहीं कोने में ही वहां जाए। और वही जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी, अब उसको सुंदर बगीचे में जिसमें हजारों फूल लगे हुए, गुलाब तरह तरह के अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हजारों, तो वहां मक्खी जाएगी तो वहां वहां जाएगी किसी फूल पे नहीं बैठी, वो सीधा जाके कहीं कोई गंदगी। छोटी सी किसी पक्षी का टट्टी है या ऐसा कुछ है तो वहीं पे उसी को ढूंढेगा वो। तो हमको भी जब वैष्णव के बीच में रहते हैं, हमको जो फॉल्ट्स है उसको ओवरलुक करना है, यानी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो अच्छे क्वालिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा उससे, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड सही रहेगा, सेवा मनोभाव रहेगा, क्योंकि हम जिस नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं ना वो बैड क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, जो अच्छे क्वालिटी देखते हैं वो भी हमारे अंदर आता है, क्योंकि जब जब कोई क्वालिटी देखते हो तो आपके अंदर डिजायर होगी कि मैं भी ऐसा बनूँ, कितना अच्छा कर रहा है, ऐसा करें तो कितना अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डिजायर आ गया कि नहीं मुझे ऐसे क्वालिटी डेवलप करना है, तो अभी तो डिजायर आया, वो डिजायर एक बीज जैसा होता है, सीड जैसा, और बीज धीरे 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 करके पौधा बनता है, तो अभी अपने अंदर डिजायर है, वो डिजायर एकदम से रियलिटी में नहीं बनता है, वो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन बीज तो अंदर चला गया तो पौधा होगा और बाद में वृक्ष भी होगा, लेकिन उसी प्रकार से नहीं, नेगेटिव देखोगे ये कितना बेकार है, ऐसे इंसान कैसे गंदा है, उसके प्रति हेट्रेड द्वेष वाला एक उसका सीड आ गया आपके हार्ट में, और वो द्वेष भी बढ़ता रहेगा, तो इसलिए द्वेष को आने नहीं देना चाहिए हार्ट में, द्वेष आता है तो द्वेष बढ़ेगा, किसने हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार किया, उसके लिए हमको द्वेष नहीं करना, बस सावधान रहना चाहिए कि दोबारा हम धोखा ना खाएं, सावधान रहना चाहिए, यानी द्वेष नहीं करना। सो ये वैष्णव के प्रति हो गया, अन्य संप्रदायों के प्रति हमारा क्या सम्मान, क्योंकि वो भी वैष्णव है भगवान की सेवा कर रहे, वो भी वैष्णव भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए,
और सम्मान करना एक चीज है, दूसरा चीज क्या है, संग करना। सम्मान करना और संग करने में फर्क है। संग सिर्फ स्वजाति आशीय स्वाद संग स्वतो भरे बताते हैं, संग तो उसी रस वाले वैष्णवों के, उसी मूड वाले वैष्णवों के साथ करना। एसोसिएट एसोसिएट करना और शिक्षा ग्रहण करना जो है वो अपने संप्रदाय से ही करना है, तो फिर रसाभास हो जाए। जैसे दूध में नमकीन डाल दोगे तो क्या होगा, या फिर खीर में अगर आपने नमक डाल दोगे तो क्या होगा। पकौड़ा भी अच्छा है, खीर भी अच्छा है, लेकिन दोनों मिक्स करोगे तो ऐसा। उसी प्रकार से ये सब अलग अलग रस है, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रसाभास। रसाभास का मतलब होता है दो अलग अलग रसों को मिक्स करना, है कि नहीं। तो नमक भी अच्छा है, शक्कर भी अच्छा है, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होते हैं, अपनी अपनी जगह अच्छे। उसी प्रकार से वैष्णव में भी हम दूसरे रस वाले वैष्णव को सम्मान करते हैं, लेकिन उस रस वाली जो शिक्षा अगर हम लेंगे तो हमारा रस से फिर वो मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम है, हम ऊपर है, वो नीचे है, ऐसा नहीं है। बट उनका रस उनके लिए वो सही है, हमारे लिए ये सही। सो वी शुड रिस्पेक्ट अदर संप्रदायज, बट वी शुड बी लॉयल टू आवर ओन। दूसरे संप्रदाय को सम्मान करते हैं, लेकिन अब वफादारी अपनी संप्रदाय। इसी प्रकार से दूसरे वैष्णवों को, दूसरे गुरुओं को भी हम सम्मान करते हैं, पर वफादारी अपने गुरु के प्रति होता है। जैसे आप अपने पिताजी के बड़े पापा हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ क्या 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 होता है उन सबको हम सम्मान करते हैं, पर आखिरी में बात किनका सुनना है? सुनते होंगे मजाक कर रहा हूँ, बट ये ऐसा होता है। ऑफकोर्स परम पिता का आप सुन रहे हो, पिताजी का भी सुनना चाहिए अगर वो बोलेंगे कि परम पिता की भक्ति मत करो तब नहीं सुनना लेकिन बाकी चीजें सुन सकते हैं, सुनना भी चाहिए। तो उसके बाद जो भी प्रामाणिक साधु है, सच्चा सिद्धांत बता रहा है, तो उनको भी सम्मान करते हैं प्रामाणिक साधु। लेकिन उनमें से एक कैटेगरी है जिसको हम मायावादी कहते हैं। मायावादी, मायावादी का मतलब क्या होता है पहले समझ। मायावादी का मतलब होता है, दो मीनिंग है, एक मीनिंग है उनका उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है, माया है, इसलिए वो मायावादी। और दूसरा मीनिंग है कि उनके आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि भगवान और आध्यात्मिक जगत माया है, इसलिए मायावादी। मायावादी कई प्रकार के होते हैं। मायावादी का मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान का रूप भी भौतिक होता है, मटेरियल होता है। भगवान भी हमारे जैसे पैदा हुए और मर गए हैं, वो ये सब मायावादी सिद्धांत के अलग अलग वर्जन है। या बोलते हैं जीव ही भगवान है, हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, सब भगवान है, आत्मा ही जीवात्मा ही परमात्मा है। ये मायावादी सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, एक जो समुन्दर और बूंद दोनों जल है, लेकिन समुन्दर अनंत है, बूंद छोटा है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा में यही फर्क, लक्षण में कोई भेद नहीं है लेकिन परिमाण में भेद है, हम उनके अंश हैं। पर अगर आप बोलोगे कि मैं ही भगवान हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कौन बताएगा? क्वेश्चन अगर हम बोलेंगे मैं ही भगवान हूँ या जीवात्मा ही परमात्मा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो
जीवात्मा ही परमात्मा है, अगर कोई बोले, अगर ऐसा कोई बोले कि मैं जीवात्मा, यानी मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, मैं ही भगवान हूँ, यानी आत्मा ही भगवान परमात्मा है, ऐसा कोई बोले तो उसमें क्या गलती, क्या क्यों गलत है वो? क्यों जीवात्मा पार्ट का नहीं है और परमात्मा तो भी वो है और शरीर छोटा है जीवात्मा आंसर के रूप में, इसलिए उसके क्वालिटी है सेम क्वालिटी, बट उसमें जो संपूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, हाँ पूर्ण नहीं है, प्राइड आएगा उसमें, जीवात्मा में चार प्रकार का दोष भी रहते हैं, भगवान पूर्ण है जीवात्मा पूर्ण नहीं है, प्राइड आएगा, वो परमात्मा पे निर्भर है, वो है, वो सब ठीक है, बट एक प्राइड आ गया, ये पॉइंट अच्छा है, और क्या जीवात्मा में फॉल जड़ाए थे ना चार प्रकार का हर जीवात्मा, लेकिन परमात्मा नहीं रहते, वो सब तत्व है, वो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उनकी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा, आप खुद भगवान बनने की कोशिश करो, जैसे मान लो एक घर का मालिक आप, अगर मैं बोलूँगा मैं मालिक हूँ, मैं भी वही मालिक हूँ, तो मतलब क्या हो गया, अब दो मालिक हो गए, कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, भगवान के कॉम्पिटिटर बन रहे हो ना कि उनके सेवक बन रहे, हमें बनना ओरिजिनल पोजिशन क्या है, हम कि हम उनके सेवक हैं, और सेवक जब बोलेगा कि मैं ही मालिक हूँ तो क्या वो अच्छी बात है, वो सब है, बट ये पूरा और उल्टा है, हमें बनना क्या, भगवान का सेवक बनना है, अब जब बोलेंगे मैं ही भगवान हूँ तो आप सेवक नहीं, आप तो स्वामी बन रहे हो, है कि नहीं, जैसे आपने बोला अहंकार, तो हमारा काम है अहंकार को खत्म करना और एक छोटा सा सेवक बनना, छोटा बनना नहीं कि बड़ा बनना, जब हम बोलेंगे मैं भगवान हूँ तो क्या हो गया, सबसे बड़े हो गए ना कि छोटे हुए कि बड़े हुए, बहुत बड़े, मैं भगवान हूँ तो अब मुझे प्रणाम करो सम्मान करो ये आ जाएगा ना, बल्कि वो सब उसको हटाना हमारा काम है, भगवान का भक्त बनना, भगवान का दास बनना, जब आप बोलोगे मैं ही भगवान हूँ तो बात दास कहाँ से बन पाओगे, दोनों ऑपोजिट है, दोनों कंसेप्ट पूरी तरह से ऑपोजिट है, इसीलिए मायावादी को सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने बोले मायावादी भाष्य सुनले होय सर्वनाश, यानी उसको जो सुनेगा उसको जो एक्सेप्ट करेगा उसका सर्वनाश होगा, भक्ति का 12 बज जाएगा, क्योंकि भक्ति तो उसके उल्टा कॉन्सेप्ट है कि मैं सबसे छोटे से छोटा हूँ, तृणादपि सुनी चे ना, मैं तृण से भी अधम हूँ, कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृश, भगवान आपके चरण कमल के नीचे एक धूल का एक कण समझो मुझे, ये है चेतना, तो कितनी नम्रता है उसमें, लेकिन उल्टा आप बोलोगे मैं ही भगवान हूं तो इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, भगवान का प्रतिस्पर्धा कर रहे, और उसमें और भी गहराई से देखोगे तो जिसको आप माँ बोलना चाहिए उनको आप पत्नी बोल रहे हो, जिसको माँ बोलना चाहिए उनको पत्नी बोलोगे तो अच्छी बात है, कितनी गंदी बात है, कितनी खराब चीज है, तो अगर मैं भगवान हूं तो भगवान की शक्ति क्या हो गई, मेरी शक्ति हो गई, अगर देखो राधा रानी किनकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति, अगर मैं कृष्ण हो तो राधा रानी मेरे तो माँ को लवर बोलना या पत्नी बोलना कितना गलत है, ये भी उतना ही गलत है, ये भी उतना ही गलत है, क्योंकि अब मैं भगवान हूँ या नहीं, भगवान कौन है, सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों के मालिक है, वही तो भगवान की परिभाषा है, अगर मैं बोलूंगा मैं भगवान हूं इसका मतलब सभी शक्ति मेरा है कि नहीं,
तो वो शक्ति को अपनी भोग वस्तु समझने लगेंगे, बल्कि अगर आप तुच्छ सेवक हो तो फिर उनको माँ समझेंगे, यानी दुर्गा देवी को माँ, यानी ये एक्चुअली भौतिक प्रकृति माता है, ना कि हमारी भोग्य वस्तु है। किसी भी स्त्री को हम भगवान की शक्ति समझेंगे, माता के रूप में देखेंगे, मातृवत प्रदारेषु। बट लेकिन जब आप अपने आप को परमात्मा समझोगे, इट्स रॉन्ग कम्प्लीटली। तो इसीलिए मायावादी सिद्धांत जो है भक्ति को खत्म करता है। भक्ति के लिए सबसे जरूरी है ह्यूमिलिटी, नम्रता। मैं तुच्छ हूँ तभी तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अरे मैं भी बड़ा हूँ, कृष्ण तुम भी बड़े हो, मैं भी बड़ा हूँ, तो दो बड़े के बीच में हमेशा क्या चलेगा, कॉम्पिटिटर बनते ना। दो बड़े हैं, अगर उदाहरण के लिए अंबानी वाली सर, नहीं जैसे एक जंगल है, जंगल में शेर है राजा, ठीक है। उस जंगल में कोई हाथी घुसाया, कोई प्रॉब्लम है? कोई भालू घुसाया, प्रॉब्लम है? कोई लोमड़ी घुसाया, प्रॉब्लम। लेकिन एक और शेर घुसाया, क्यों? दोनों शेर टक्कर है वहां पर। लेकिन अगर हम बोलेंगे भगवान मैं भी भगवान हूँ तो क्या होगा? तो क्या उनके साथ जमेगा? मतलब वो तो ठीक है, लेकिन हमारा नहीं जमेगा। वो तो है ही भगवान, और हम ही भगवान। हम उनके साथ जब कंपटीशन करेंगे तो उनके भक्त कैसे बन पाएंगे? ये बात, ये भक्त नहीं बन पाएंगे उनके साथ प्रतिस्पर्धा। वो पौंडरक नाम का वासुदेव, वो भागवत में आता है, गोबले मैं भी वासुदेव हूँ। उनका भी नाम वासुदेव था, असली वासुदेव मैं हूँ। और उसके पास भी शंख चक्र गदा पद्म सब थे। और कृष्ण को बोला असली वासुदेव मैं हूँ, तुम तुम्हारे शंख चक्र गदा ये सब छोड़ दो, तुम्हारे सुदर्शन चक्र को छोड़ दो। कृष्ण बोला ठीक है छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि ये होता है। इसलिए भक्ति का फिलॉसफी का पूरा उल्टा वाला फिलॉसफी है वो, मायावादी फिलॉसफी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान कर रहे थे, वो फिलॉसफी मत जान, अहम ब्रह्मास्मि। ये सही है कि मैं आत्मा ब्रह्म चित कण है, लेकिन वो कण है, आग का एक छोटा सा कण है, ना कि पूरा आग है। सूरज और सूरज का किरण है, जैसा हमारा सूरज का किरण भी सूरज जैसे ही है, लेकिन पूरा सूरज और सूरज के किरण में बहुत भेद होता है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा के में क्या समान है ये भी समझना जरूरी है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे हम ये शरीर हैं, ये भी ज्ञान है। अगर हम सोचेंगे मैं शरीर हूँ, ये तो गलत है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, चेतन वस्तु हूँ, जड़ वस्तु नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये, आई एम स्पिरिट सोल। तो वो समझना भी जरूरी है, साथ में भेद भी समझना, अचिंत्य भेद अभेद, भगवान और हम में जो भेद है और भगवान हम में जो समानता है, दोनों ही समझना चाहिए। समानता भी जरूरी है समझना, कुछ समानता भी होगा तभी तो सेवा कर पाएंगे, और कुछ समानता बिल्कुल नहीं है तो जैसे दूध और मतलब पानी और तेल जैसा हो जाए, कभी मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो अलग अलग ही रहेंगे। पानी और आग साथ में रह सकते हैं, तो कभी भी पास में भी नहीं आ सकते, दूर दूर ही रहते हैं। अगर हम पूरी तरह से अगर भगवान से अलग हो जाए, हो गए, तो हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। भगवत धाम जाएंगे कैसे? आप भी आग हो तभी तो सूर्य लोक में जा पाओगे, आप अगर पानी हो तो सूर्य लोक में कैसे जाओगे? आप अगर आग हो तो सूर्य लोक में जा सकते हो। तो इसीलिए हम भी चित कण है, इसलिए भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। तो भेद और अभेद दोनों को जब समझेंगे तभी भक्ति पक्का होता है, भक्ति को
को ठीक से हम कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए मायावादी, मायावादियों को हम क्या करते हैं फिर AK-47 लेके ये करना है ना कि उससे भी लेटेस्ट कोई, उससे भी लेटेस्ट कोई गाना है नहीं नहीं अगर आप बहुत महान वैष्णव हो तो उनको भी उद्धार कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने किया, 60,000 मायावादी सन्यासियों को भक्त बनाए, वैष्णव बनाए, प्रकाश आनंद सरस्वती इन सबको जो काशी में बनारस में किया, और भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर ने भी किया ऐसे बहुत सारे मायावादियों को, और हमारे गौड़ी हमारे मध्य संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य जयतीर्थ और भी बहुत सारे आचार्य हैं जो मायावादियों को डिबेट में हराते थे और उनको वैष्णव बनाते थे। पर अगर हमें उतनी कैपेसिटी नहीं है तो उनसे दूर रहते और प्रार्थना करना चाहिए भगवान को सब कुछ दीजिए। राधानाथ महाराज के पास एक क्या है कि बोले मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सन्यासी था, मायावादी था, मायावादी भी सन्यासी, शंकराचार्य के संप्रदाय वाले, तो बोले मैं ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बात करते करते वो बोले बाथरूम कहाँ, बाथरूम जाना तो बोले नहीं आप बाथरूम नहीं जा सकते आप परमात्मा तो कंट्रोल कर लो बोले नहीं कर, वो कैसे संभव है तो आप मानो कि आप परमात्मा नहीं हो तब मैं बाथरूम दिखाऊंगा बोले बोले ठीक है मान लूंगा। तो बाथरूम दिखा, बाथरूम जाके आए, फिर बोले वो मेरी लीला थी ब्रह्मा जी के समय पर भी कोई था, एक मायावादी था, क्या था वो, हाँ वो बोले आई एम गॉड, ठीक है तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, अगर आप गॉड हो आप कुछ भी कर सकते हो ना, सकता हूँ क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो आपके जेब में जितने पैसे हैं सब दे सकता हूँ, मुझे दे सकता हूँ तो दे दो, अगर गॉड है तो दे दिए। फिर दो दिन बाद कॉल आया कि मुझे किराया भरना है एक तो ब्रह्मा जी उसको कॉल करते थे तो ऐसा तो उनको अपमान नहीं ऐसा एक्चुअली अधिकतर, हाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर जो लोग मायावादी है ना इनोसेंटली बनते हैं, उनको पता नहीं रहता है इतना भेद है, पता नहीं रहता है, वो ऐसे ही कहीं से कुछ बुक पढ़े होंगे, कहीं से कुछ ऐसे आस्था चैनल में कुछ सुने होंगे या कहीं से कुछ मिला होगा उनको इतना गहराई में जाके वो तत्व नहीं समझे हैं। मतलब आजकल लोग क्या इतना फिलोसफी थोड़ी जाते हैं, जहाँ से भी कुछ अच्छे प्रवचन मिलता है तो सुन लेते हैं, तो वो सुन के वही मान लेते हैं इतना ज्यादा कुछ डीपली नहीं जानते, तो उनको मायावादी सोचने की जरूरत नहीं, वो बस इनोसेंट है, कुछ जानते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा कभी कभी भटक जाता ना, वो कोई किसी ने कुछ बोल दिया सिगरेट पी के देखो, तो वो भी ऐसे ही फन में वो जाके उसको, अरे ये सिगरेट करे ये तो बदमाश बच्चा है इसको जेल में डालना, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन कोर मायावादी होते हैं जो सब कुछ जान बूझ के समझ के वो करते हैं, उनसे वो तो खतरनाक, उनसे दूर रहना पड़ेगा। या अगर आप बहुत ज्यादा भक्ति में पावरफुल हो तो उनको आप भक्ति में ला सकते हो, लेकिन भक्ति में भले रस में भेद है लेकिन भक्ति का तत्व में भेद नहीं है। कोई भी क्या बोलते हैं उसको ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम भगवान के दास नहीं है, हम भगवान, सब यही कहेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, उनके सेवक हैं। अब वो सेवा कैसे करना, किस भाव से करना, उसमें सिर्फ भेद, इसमें भेद नहीं कि भाई सेवक है कि नहीं, उसमें भेद नहीं है, सेवक तो है ही, उसमें कोई कभी तत्व में वो तत्व विचार आ जाता है वहां, और रस विचार वैष्णव के बीच में आता है। तो ये हो गया, तो मायावादियों के मोस्टली जो मायावादी होते हैं इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं रहता है, उनको प्रीचिंग करके
समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत बड़े सन्यासी हैं 20 साल से, मतलब बड़े सन्यासी हैं, और आप जाके उनको देने की कोशिश कर रहे तो हाँ, तो ऐसा नहीं, आपकी क्षमता से बाहर, तो इसलिए तो इनसे थोड़ा दूर रहना। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति भटका हो उसको हम समझा सकते हैं, पर अन्य साधुओं को भी हम सम्मान करते हैं। रूपा जी बोलते हैं इवन मायावादी सन्यासी को भी अगर देखते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम, सिर्फ प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम करना चाहिए सन्यासी, क्योंकि सन्यास धर्म का पालन करना है। पर उनके भाष्य नहीं सुनेंगे, उनको उनसे संग नहीं करेंगे। और मटेरियलिस्टिक जो लोग आखिरी में जो नास्तिक हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, उनसे हम कैसे व्यवहार करते हैं? दया। अभक्त दो प्रकार के हैं, अभक्त, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है, वो दो प्रकार के, एक नास्त, एक बालिश, एक द्विषत्सु, द्वेषी और बालिश। बालिश मतलब इनोसेंट, अनजान, अनजान, जानकार नहीं, मासूम, अनजान, उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है? दया। उनको हेल्प करेंगे, उनको सन्मार्ग पर लाने के प्रयास करेंगे। और जो दूसरा कैटेगरी वो क्या है? द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले, उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो जानने के लिए ओपन नहीं है, वो तैयार नहीं है। आप बोलोगे तो और ज्यादा गाली देगा। वही है ना अश्रद्धालु, नहीं वो अलग है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम के मतलब, अश्रद्धालु तो हम भी कुछ हद तक, श्रद्धा हर व्यक्ति में एक सीमित मात्रा में होती है। अगर कोई व्यक्ति नया मंदिर में आया तो उनको वो भी श्रद्धालु है, पर बोला कि सोलह माला का चार नियम पालन को भाग से उतनी श्रद्धा नहीं है। किसी के अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो 10-15 मिनट या आधा घंटा आपके लेक्चर सुन सकता है, लेकिन अगर 2 घंटे का लेक्चर दोगे तो उसको भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, बहुत टू मच हो जाएगा। तो उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी इंटरेस्ट है, उतने तक बताना, और ऐसे बताना ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट और बढ़े, और जब वो और बढ़ेगा और इंटरेस्ट आएगा तो फिर और बताओ। ये जो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे ही, ऐसे मान लो आप बस में चल रहे हैं, बगल में बैठा है व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, आपको पता है कि कृष्ण भगवान है, आपको भक्ति करना चाहिए, बोले ठीक है हम तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है भैया। आप नहीं, नहीं इंटरेस्टेड होना चाहिए आपको, ऐसे नरक जाओगे इस तरह से बताओगे, ऐसा नहीं। बट उसके बताने की तरीका है, बताने का तरीका है, तरीके में उसको बता सकते, जितनी श्रद्धा उतना दे सकते हैं, नहीं तो फिर उस चीज को वैल्यू नहीं करेगा ना, फिर वो निंदा करेगा या अपराध करेगा या उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, तो उसका भी गलती हमारे ऊपर आएगा। पर एक्सपर्ट वैष्णव क्या होता है, वो ऐसा बता सकता है, उनके अंदर से इंटरेस्ट जगा सकता है, सबके अंदर से इंटरेस्ट जगाने वाला, इसलिए वो महाभागवत होता है। जो भी उनके कॉन्टेक्ट में आता है वो नेचुरली इंटरेस्टेड हो जाता है। अगर हम बोलेंगे तो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे तो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसको बोलने का तरीका या उसको बोलने का तरीका इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि किस तरह से प्रेजेंट करो तो कि व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सको। जैसे गौर गोपाल प्रभु हो गए, ये लोग जैसा बोलते हैं, वो लाखों करोड़ों लोग जो भारत के बाहर वाले हैं, जो कृष्ण राम किसी को नहीं जानते, वो भी इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है, इनके अंदर भूख जगाना है, तब जाके खाना देना है। भूख नहीं है तो खाना नहीं देना है। तो व्यक्ति भूखा नहीं है, खाओ खाओ बोल तो नहीं खाए, भूख नहीं, भूख जगाओ, तो भूख जगाना काम है। जो एक्सपर्ट वैष्णव महाभागवत होता है वो हमेशा ये सोचता है कैसे मैं आप लोगों में भूख जगाऊं, कैसे लोगों को। प्रभुपाद जी ने ऐसा सोचा, मेरी भाई यहाँ तो अमेरिका आया हूँ, रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ, वहाँ कैसे मैं आपकी वाणी बताऊंगा। हे भगवान, आप मेरी वाणी को ऐसे उपयुक्त बनाओ ताकि उन लोगों को समझ में आए, उन लोगों को
स्वीकार करने लायक हो, ये होता है महाभागवत। वो हमेशा सोचता है हाउ आई कैन पैकेज कृष्ण कॉन्शियसनेस इन सच अ वे दैट दैट विल अपील टू पीपल, दैट विल मेक पीपल इंटरेस्टेड। ये हमेशा सोचता है, सिर्फ देना नहीं पर कैसे देने से वो एक्सेप्ट करेंगे वैसा देना, उसी में हमारा दिमाग लगाना पड़ता है। हमें देना है प्रोडक्ट, लेकिन किस तरह से पैकेज करें, किस तरह से दें ताकि व्यक्ति लोग लाइन लग के लोग उसके लेने के लिए तैयार हों, वही इंटेलिजेंस, वो अलग चीज है। तो आपकी कैपेसिटी कर उसका प्रीचिंग करो, जो आपसे भी बहुत पावरफुल है, नास्तिक हो या वो, उनके साथ आप भिड़ने जाओगे, महारथी के साथ महारथी भिड़ सकता है। ठीक है, पर प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं, भगवान उनको भी आपके मार्ग पे लाओ। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि।